हेलो दोस्तों, मैं मिथुन बाबू आपसे वो बताना चाहता हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में हम लोग जो टैग लगाते हैं, टैग समझते हैं, जो जिसके द्वारा हमारी वीडियो वायरल होता है, प्रमोट होता है, हम जिसके द्वारा हमारे वीडियो पे ज़्यादा व्यू मिलता है, उस बारे में मैं दो शब्द आप सबको बताना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के बाद ना हम लोग कुछ उस पर टैग लिखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे कि आपके वीडियो एक सॉन्ग है, सॉन्ग का वीडियो डालते हैं तो हम लोग किसी सिंगर का नाम उसमें डाल देते हैं जो कि जूने हैं, जैसे अरिजीत सिंह हो गए या फिर जुबिन नौटियाल हो गए या फिर और बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनके सारे नाम हम लोग डालते हैं ताकि हमें लगता है कि उसके नाम से अगर डालेगा तो मेरी वीडियो भी उसके नीचे आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको पता है ना कि जब हम किसी बड़े सिंगर का वीडियो डालते हैं तो उसके बहुत सारे वीडियो होते हैं, बहुत सारे सर्च वार में उनका नाम होता है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट नामों से उनके वीडियो आते हैं। तो आप अरिजीत सिंह का नाम डालेगा तो आपका वीडियो नहीं बल्कि उनका वीडियो आएगा, राइट ना। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो अपने वीडियो में आपको सिर्फ अपने वीडियो के बारे में ही लिखना है, दूसरे का नाम, दूसरे का टैग नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट उसे मिलता है, क्रेडिट बोले तो आपके व्यू उसे मिलता है। क्योंकि जब हम अरिजीत सिंह का नाम अपने वीडियो में लिखेंगे तो अरिजीत सिंह के नाम से अगर खोजेगा तो अरिजीत सिंह का ही वीडियो निकलेगा, ना कि आपका निकलेगा। और अगर आपका भी नाम डालेगा तो अरिजीत सिंह का ही निकलेगा क्योंकि आपने अरिजीत सिंह का ही नाम टैग किया है। इसलिए दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के टैग में या डिस्क्रिप्शन में किसी का नाम ना दे करके आप या फिर जितने भी उसमें बंदे काम किए उसका नाम या उस वीडियो के बारे में ही लिखे, और वो नया हो तो ताकि आपके वो सर्चिंग से आपका वीडियो सामने आए और इस तरह से आपके वीडियो पर व्यू भी अच्छी आएगी, क्रेडिट भी आपको मिलेगा और आपके वीडियो हमेशा के हमेशा आगे रहेगा। तो आज के टॉपिक इतना ही था, मैं आप लोग को बताने के लिए थैंक यू।